नमस्कार दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग हंसते हंसते रोने लगते हैं, यानी कि खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बता दे, हंसना और रोना दोनों ही भावनात्मक क्रियाएं हैं। कई बार इंसान के ज्यादा भावुक होने के कारण हंसते हंसते रोना आ जाता है। ऐसा ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या कारण का मतलब आंसू बहाने के पीछे। पहला कारण ये बताया जाता है कि खुलकर हंसते हुए हमारे चेहरे की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से कम करती हैं। ऐसा होने पर हमारी आंखों से यानी अश्रु ग्रंथियों से भी दिमाग का नियंत्रण हट जाता है, इसलिए आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन हमारी कुंडली के कुछ ग्रहों के कारण भी हम ज्यादा भावनात्मक होते हैं और हमें जल्दी रोना आ जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कई बार हंसते हंसते हमें रोना क्यों आ जाता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर नीलम, आज मैं बड़े ही एक इंटरेस्टिंग विषय पर बात करना चाहूँगी। देखिए, हम मानव हैं, इंसान हैं, तो हम सब में संवेदनाएं होती हैं। किसी ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और किसी अच्छी खबर पर या खुश होने पर हम जो है मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, और दुखी होने पर हम रोते भी हैं। कभी कभार ऐसा ज़रूर होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और तब भी आप रोने लग जाएं। देखिए, रोने के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न तो ये है कि हमारे अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, कार्टिसोल और एंड्रोसिल। जब इन दोनों का सिक्रेशन होता है तो जो हमारे आँखों में जो उसकी अश्रु ग्रंथियाँ हैं उनमें से पानी निकलता है। लेकिन हम लोग कई टाइम हंसते टाइम क्यों रोते हैं? एक तो ज़रूर डेफिनेटली इसका भी सेम एस्ट्रोलॉजी इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो हमारे जो फेस की मसल्स होती हैं उनका, हमारे माइंड का ध्यान पूरा उस पर आ जाता है और जो आँखों से आंसू होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन भावनावश क्यों हम इतने इमोशनल हो जाते हैं या क्यों कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं जो कि बहुत छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं? इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल कारण ये है कि चंद्रमा उन व्यक्तियों का बहुत वीक होता है। देखिए, वाटर का एक्सटेंशन, या जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पंच भूतों से हमारी जो बॉडी है वो बनी है, उसमें एक तत्व आता है जल तत्व, जो कि चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो जिन व्यक्तियों का चंद्रमा बड़ा ही वीक होता है, जिनकी कुंडली में या चंद्र कई पाप ग्रहों से, मैलिफनिक प्लैनेट से ग्रसित होता है, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सहने की शक्ति या भावनाओं को कंट्रोल करने की शक्ति उनकी बड़ी कमज़ोर होती है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति चाहे खुशी हो चाहे गम, बिना कारण ही उनकी आँखों से आंसू निकलते ही रहते हैं। दूसरा कारण होता है फोर्थ हाउस, अगर आपकी कुंडली का बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अगर फोर्थ हाउस में आपकी, अगर आपकी कुंडली में आपको ज्ञान हो थोड़ी बहुत कुंडलियों का, तो फोर्थ हाउस में अगर मंगल, राहु, केतु, शनि या क्रूर ग्रह या पापी ग्रह आ जाते हैं, तो ऐसे में आपके जो आपका फोर्थ हाउस आपका हार्ट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है, अपने आपके हृदय को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे व्यक्ति भावनाओं से बहुत जल्दी जो है वो ग्रसित हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। किसी चीज़ को लेकर पीड़ा का अनुभव उन्हें बहुत ज़्यादा होता है, और अगर किसी कारणवश वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं तो उनकी जो भावनाएँ हैं वो अश्रुओं के रूप में बहुत जल्दी निकल के बाहर आती हैं। तो डेफिनेटली इसके पीछे एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी था जो मैं आपको बताना चाहती थी कि क्यों आप लोग खुशी के टाइम भी कई लोग जो है वो रोने लग जाते हैं। तो कारण यही है, अपने देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक हो सकता है या फोर्थ हाउस किसी न किसी रूप से पीड़ित हो सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो अपना चंद्रमा स्ट्रांग रखें, अपने चंद्र को बलवान करने के लिए डेफिनेटली जो है अपनी माता के साथ संबंध अच्छा रखें, फोर्थ हाउस अच्छा रखें, घर के नल टूटियां जो हैं वो उन्हें फालतू बहना ना दें, जल का संचय करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में जल को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें और चावल का संग्रहण करें। तो जिन व्यक्तियों को इमोशनल ज़्यादा होने की प्रॉब्लम है उसमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। धन्यवाद।
इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।